मोदी सरकार ने मंगलवार को सेना में बहाली के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। देश के कई राज्यों में इसका जमकर विरोध हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। इस बहाली योजना के खिलाफ प्रदर्शन आज भी जारी है। आंदोलनकारियों ने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। हालांकि कल एक संशोधन जरूर किया गया। इस साल के लिए अधिकतम उम्र की सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। हिमाचल में भी कांग्रेस इसके खिलाफ कल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इस योजना से मोदी सरकार देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम कर रही है। देश का युवा देशभक्ति के जज्बे से सेना में भर्ती होता है। विक्रमादित्य ने कहा कि सरकार बिना सोचे समझे अन्य देशों से इस पैटर्न को लागू कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर देश के युवाओं के साथ खड़ी है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कल इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में उन्होंने सीबीआई जांच पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीएम की कथनी व करनी में फर्क है। सीबीआई जांच की बात कही गई, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई है। सरकार को इसमें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो आपका पुलिस रिक्रूटमेंट सीबीआई द्वारा इसकी जांच के बाद जो है सरकार ने कही है, अब कम से कम 15 से 20 दिन जो है वो इस स्टेटमेंट को हो चुके हैं। आज हम सरकार से इस विषय पे फिर से व्हाइट पेपर की जो है वो मांग करते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि 15-20 दिन के बाद भी आज तक सीबीआई की टीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में इतने संवेदनशील मसले के ऊपर नहीं पहुंच पाई है। आज भी 75,000 युवाओं को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो न्याय नहीं मिला है। जिस तरीके से शिमला के अंदर जो जल संकट मंडरा रहा है, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से शिमला के और शिमला के जो साथ लगते हुए इलाके हैं उनमें जो वाटर क्राइसिस है उसके ऊपर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं है, सरकार के ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो ये यहाँ की जो इसकी आपकी कंपनी है SJ, क्या नाम है इसका, शिमला जल प्रबंधन लिमिटेड, ये जो है अपने कुछ ही जो इनके चाहते लोग हैं उनको कांस्टेंट वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, जिसका हमें अभी एक उदाहरण जो है वो आपके फागू के एरिया में भी देखने को मिला। और ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे कई होटेलियर्स हैं, कई अंडर कंस्ट्रक्शन होटल्स हैं, या कई जो अगर ऊपर से राजनीतिक आकाओं के फ़ोन आ जाते हैं तो उनको कांस्टेंट सप्लाई पानी का दिया जा रहा है। बाकी इलाकों में जो है बहुत इरेटिक वाटर सप्लाई है, उस पर जल शक्ति मंत्री जो अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज मिसिंग इन एक्शन। देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और इसमें हम कोई राजनीतिक हित साधने की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। और हर जगह पे जो बात कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश केवल एक देव भूमि ही नहीं एक वीर भूमि भी है, जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, जो ये नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ के नाम से लाई गई है जिसमें सो कॉल्ड अग्निवीर जो है वो उनको रिक्रूटमेंट देने की बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि 4 साल का जो ये रोज़गार के दृष्टिकोण से स्कीम को लाया गया है ये प्रदेश के युवाओं को और देश के युवाओं को अंधकार में झोंकने वाली और अग्नि में झोंकने वाली स्कीम है। क्योंकि इसमें आप जो प्राइम ईयर्स युवाओं के हैं उसमें आप उनको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको आर्मी में रिक्रूट कर रहे हैं, उसके बाद 75% युवाओं को उसमें से बाहर कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उनका भविष्य में क्या होगा, उनको क्या आगे आने वाले समय में रोज़गार मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इसमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए गए हैं, मगर जो व्यक्ति एक बारी आर्मी में जाने का निर्णय लेता है, जो युवा आर्मी में जाने का निर्णय लेता है, वो केवल फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स के मद्देनज़र ही नहीं लेता है, उसके लिए सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म, सेंस टू सर्व द कंट्री इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उस चीज़ को इस सरकार ने पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया है। ये एक किस्म से चीप क्वालिटी का कट एंड पेस्ट वर्क चाइना की कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी को देखकर और इसराइल की कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी को देखकर उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए
आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।